नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल ICT Academy में आप लोग का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं कि आप लोग डिजिटल राशन कार्ड को कैसे डाउनलोड करेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे डिजिटल वोटर कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, उसी प्रकार का अभी गवर्नमेंट ने राशन कार्ड को भी डिजिटल बना दिए हैं। तो कैसे आप लोग अपना घर का डिजिटल राशन कार्ड को डाउनलोड करेंगे, जिसमें आपको बहुत ही अच्छा आधार कार्ड के जैसा रहेगा और आपको उसमें QR कोड भी मिलेगा और सभी फैमिली मेम्बर भी रहेगा छोटा सा एक राशन कार्ड में। तो कैसे आप लोग उसको डाउनलोड करना, उसका फुल प्रोसेस आज की इस वीडियो में हम आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो अगर आपका घर का राशन कार्ड बना हुआ, डिजिटल राशन कार्ड को डाउनलोड करना, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो चलिए स्टूडेंट वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये नया अपडेट है, अभी तक ज्यादातर किसी को नहीं पता। तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए भी वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को गवर्नमेंट का जो राशन कार्ड का ऑफिशियल वेबसाइट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, ऑल ओवर इंडिया में सभी स्टेट का राशन कार्ड को यहीं से आप लोग एक क्लिक में डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वेबसाइट में आप लोग को आना होगा, या फिर मैं आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक दे दिया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन वाला लिंक पे आएंगे और वहां पर सभी जानकारी मिलेगा और राशन कार्ड डाउनलोड करने का लिंक भी मिलेगा। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने देख सकते हैं राशन कार्ड बेनिफिशियरी अंडर, यहाँ पर सभी कुछ, मतलब जितना स्टेट है भारत में सभी स्टेट का नाम इस प्रकार दिया हुआ रहेगा। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, यहाँ से आप लोग डिजिटल राशन कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। अभी मैं एक स्टेट का डाउनलोड करके दिखा रहा हूँ, उसको देख लीजिए किस तरह का राशन कार्ड है, उसके बाद आप लोग अपना अपना स्टेट में ट्राई करेंगे और मैं और एक दो स्टेट में डाउनलोड करके दिखा रहा हूँ। तो पहले यहाँ पर लेते हैं, जैसे कि मान के चलिए हिमाचल प्रदेश का मैं आप लोग को डाउनलोड करके दिखा रहा हूँ। तो हिमाचल प्रदेश में क्लिक किए तो इस तरह का इंटरफेस ओपन हुआ। अभी उसके बाद मैं बिहार का, झारखंड का, अदर अदर स्टेट का बताऊँगा। तो देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश का ये ऑफिशियल वेबसाइट है राशन कार्ड का, और यहाँ पर होम में आपको सबसे पहले क्लिक करना है। जैसे होम में क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर प्रिंट राशन कार्ड का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे प्रिंट राशन कार्ड में क्लिक करेंगे, अभी यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है सेलेक्ट इनपुट टाइप, ठीक है, मतलब राशन कार्ड आपको कैसे डाउनलोड करना है, आधार नंबर से करना है या राशन कार्ड नंबर से। आधार नंबर से अगर करना है तो उन्हीं का आधार नंबर देंगे जो राशन कार्ड का हेड है, जैसे आपका घर में जो भी महिला जो हेड है उनका नाम देना है, या फिर राशन कार्ड जिनका नाम से है उनको देना है। तो अगर हमको राशन कार्ड नंबर से फिल करना, तो राशन कार्ड यहाँ पर नंबर में क्लिक किए और यहाँ पर राशन कार्ड नंबर को फिल कर दिए, ठीक है। उसके बाद सर्च में हम क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं राशन कार्ड जो है यहाँ पर डिजिटल वाला राशन कार्ड यहाँ पर डाउनलोड हो गया। यहाँ पर देख सकते QR कोड भी है, राशन कार्ड नंबर है, फैमिली मेम्बर का हेड का नाम है, उसका सभी जानकारी है, कितना मेम्बर है उनका भी डिटेल्स इधर दिख रहा है, ठीक है। इसको आपको प्रिंट करना है, अगर आप किसी साइबर से या फिर आप खुद से मोबाइल से अगर डाउनलोड कर रहे हैं तो प्रिंट वाला में क्लिक करेंगे और मोबाइल में जो है सेव एज PDF कर लेंगे। देख सकते हैं इस तरह का PDF फाइल सेव होगा, इसको सेव कर लेंगे, जहां भी प्रिंट करना उसको भेज देंगे, वो आपका कलर प्रिंट करा लीजिएगा, ताकि कोई भी पेज पे नॉर्मल पेज पे कलर प्रिंट करा लीजिएगा। और ये जो है बैक टू बैक ऑटोमेटिक प्रिंट होगा, इसको क्रॉप करके काट के आगे पीछे चिपका लेंगे और उसको लेमिनेशन करा लेंगे। तो आधार कार्ड वोटर कार्ड के जैसा ये आपका जो है डिजिटल राशन कार्ड हो गया, ठीक है। अभी मैं अदर स्टेट का बता रहा हूँ, जैसे ये इस वेबसाइट में आप लोग आएंगे जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दिए हैं, अभी मैं बिहार का बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर झारखंड का भी है, तो झारखंड का भी जैसे राशन कार्ड को डाउनलोड करता है वैसे डाउनलोड करेंगे, लेकिन झारखंड में अभी डिजिटल राशन कार्ड नहीं जारी किया गया है। एक दो स्टेट में जैसे हिमाचल प्रदेश में डिजिटल राशन कार्ड हो गया और एक दो स्टेट में हुआ, लेकिन सभी स्टेट में अभी लागू नहीं हुआ। अभी आप लोग डाउनलोड करेंगे सभी स्टेट में तो नहीं होगा, जैसे मैं अभी बिहार का दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो बिहार में हम क्लिक करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस ओपन हुआ, उसके बाद ऑल जो है डिस्ट्रिक्ट आ गया, कौन सा डिस्ट्रिक्ट आपका है उस डिस्ट्रिक्ट को लेंगे। जैसे मान के चले हम एक डिस्ट्रिक्ट को ले लिए, उस डिस्ट्रिक्ट में रूरल में इतना लोग है राशन कार्ड, अर्बन में इतना, तो चलिए मैं यहाँ पर रूरल या अर्बन किसी एक पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर जो है आ गया टाउन का नाम, तो टाउन में क्लिक करते हैं। अभी जो है डीलर का यहाँ पर देख सकते हैं नाम आ गया, यहाँ पर नाम में क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं अभी इनके अंदर डीलर के अंदर जो है राशन कार्ड जितना लोगों का है वो आ गया, इधर फैमिली मेंबर का नाम आ गया। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये रहा आपका राशन कार्ड, जो कि ये बिहार का राशन कार्ड है, लेकिन बिहार का राशन कार्ड अभी डिजिटल नहीं बनाया गया है, QR कोड उसमें नहीं मिला बिहार में, अदर स्टेट में, हिमाचल प्रदेश में लागू हो गया और भी एक दूसरे स्टेट में लागू हो गया, सभी स्टेट में नहीं हुआ। जैसे ही जो भी स्टेट में अभी अगला लागू होगा डिजिटल राशन कार्ड, तो हम नया वीडियो बना दूंगा नया अपडेट के लिए, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।